हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और फाइनली सतोशी कोर ऐप के अंदर लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग वॉलेट सबमिशन की। और अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है सतोशी कोर ऐप के अंदर OEX टोकन विड्रॉल का। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी प्रोवाइड की है जो आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और डेट्स वगैरह भी मेंशन की हुई है कि कब से कब तक आपको विड्रॉल करना है, अपना वॉलेट एड्रेस लिंक करना है, बाइंड करना है और आपके OEX टोकन को आपको विड्रॉल करना है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर करते जाओ। तो हे गाइस, हाल ही फिलहाल में एक लेटेस्ट अपडेट आई है। अपडेट आपको कहाँ पे मिलती है, ये वाले सेक्शन के ऊपर मिलती है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या है कि OEX वॉलेट सबमिशन, मतलब आपने जो माइनिंग की है OEX टोकन की, उसका विड्रॉल के लिए आपको वॉलेट सबमिट करना पड़ेगा, वॉलेट को बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट्स भी मेंशन की है, साथ में स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दी है कि कैसे आपको ये स्टेप्स करने हैं। तो अभी डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है April 13, 2024 में स्टार्ट होगा आपको वॉलेट सबमिट करने का, और ये एंड कब होगा, April 27, 2024 को। तो आपको टोटल 15 डेज दिया जाएगा वॉलेट सबमिट करने का टाइम, तो उसके अंदर आपको वॉलेट सबमिट करना है। यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए हैं, आप जाके भी ये भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर करके बोला था आपको, April 13 के बाद ही जो भी होना है होगा, लिस्टिंग विड्रॉल वगैरह, विड्रॉल डिले होने वाला है, पहले ही बताया था। और ये देखो आपको अपडेट भी अभी मिल गई। अभी यहाँ पे है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड बता देता हूँ कि कैसे आपको वॉलेट सबमिट करना पड़ेगा, इन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने एक मीडियम आर्टिकल दिया है, इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस मीडियम आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि OEX एड्रेस सबमिशन, तो मतलब आपको विड्रॉल करना है तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको विड्रॉल करने के लिए वॉलेट सबमिट करना पड़ेगा। जो स्टार्ट डेट होगी यहाँ पे मेंशन की है, April 13 से स्टार्ट होगा 2024 को, April 27 को ये एंड होगा। तो आपके पास 14 से 15 दिन रहेंगे, उसके अंदर आपको वॉलेट सबमिट करना है। अभी स्टेप्स क्या रहेंगे सबमिट के, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आपको चले जाना है OEX ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद आपको OEX टोकन के ऊपर क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपको OEX कितने टोकन हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और वहाँ पे नीचे आपको लिंक वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक लिंक वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको एक और पॉपअप आ जाएगा कि फंड एड्रेस, फंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। फंड पासवर्ड आप बोलोगे कौन सा रहता है, तो ये लॉगिन का पासवर्ड नहीं रहता है, फंड पासवर्ड अलग रहता है, आप सबने डाला रहेगा। आप अगर न्यू यूज़र हो तो आपने अभी तक फंड पासवर्ड नहीं डाला है तो कैसे डाल सकते हैं वो आपको बताऊंगा। ओल्ड यूज़र ने ऑलरेडी फंड पासवर्ड डाला है, ठीक है, ये लॉगिन पासवर्ड नहीं रहता है, लॉगिन पासवर्ड से अलग रहता है। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है कि आपको इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको मेटामास्क का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है विड्रॉल एड्रेस के अंदर, और असेट पासवर्ड के अंदर अभी क्या रहेगा। तो ये स्टेप होने के बाद यहाँ पे आपने विड्रॉल एड्रेस मेटामास्क डाल दिया, असेट पासवर्ड के अंदर वही फंड पासवर्ड रहता है वो आपको डाल देना है, और OEX लिंक विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉलेट जो है, जो मेटामास्क रहेगा वो आपका सतोशी ऐप के अंदर लिंक हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक होने के बाद आपको क्या रहेगा, इस तरह का यहाँ पर नज़र आ जाएगा विड्रॉल करके लिखा हुआ, और यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड, मतलब क्या है, आपके वॉलेट के अंदर ये टोकन भेज दिए जाएंगे जितने आपके OEX टोकन माइन हुए हैं, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं सतोशी कोर ऐप के अंदर कैसे प्रोसेस होगा। देखो, जब लाइव होगा April 13 को तभी आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें लाइव आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, फेस वेरिफिकेशन भी होती है जब हम विड्रॉल करने जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आपको देखो ये वाला एक वॉलेट सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तभी समझो आपके पास OEX टोकन है, जो ये OEX है इसके ऊपर आपको टैप करना रहता है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल पे टैप करना पड़ेगा। अभी देखो विड्रॉल के लिए कुछ नहीं दिखाया रहा है, बट क्या क्या है असेट पासवर्ड वगैरह वो आपको न्यू यूज़र हो तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बिटकॉइन दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। विड्रॉल है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी, असेट पासवर्ड। तो ये क्या करना पड़ता है, हमको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, फंडिंग पासवर्ड बोलते हैं, असेट पासवर्ड बोलते हैं, वो हमको बनाना पड़ता है जो लॉगिन पासवर्ड से अलग रहता है, उसके बाद हम विड्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी ओवरऑल कहाँ पे आप फंडिंग पासवर्ड, असेट पासवर्ड वगैरह बना सकते हो, तो आपको सिंपल मी सेक्शन यहाँ पे नज़र आएगा आपके सतोशी कोर ऐप के अंदर। मी के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल रहेगी ना, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, इसके ऊपर सिंपल क्लिक
क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, उसमें से असेट पासवर्ड और एक और ऑप्शन दिया हुआ चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो असेट पासवर्ड क्या होता है कि आपका जो फंड है, जो OEX टोकन है, उसको आप विड्रॉल करना चाहते हो ना, तब असेट पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे असेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपको आएगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का, मेरा ओल्ड न्यू आ रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी असेट पासवर्ड क्रिएटेड है। ठीक है, और आप अगर असेट पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे देखो फॉरगेट असेट पासवर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक OTP आएगा आपके ईमेल के अंदर, जिसके अंदर सतोशी को आप माइन कर रहे हो, और आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन विड्रॉल रहेगा उस दिन आप रीसेट करने जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा असेट पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, क्योंकि बहुत यूज़र करते रहेंगे ट्राई। ठीक है, बहुत यूज़र भूल जाते हैं। और एक और है यहाँ पे पासवर्ड करके लिखा हुआ, ये क्या है, कौन सा पासवर्ड है, आपका लॉगिन का पासवर्ड है सतोशी ऐप का। ठीक है, और यहाँ पे चूज़ अ कंट्री है, ये भी आपने चूज़ किया रहेगा होपफुली। और यहाँ पे एक और है आई एम नॉट रॉबर्ट वेरिफिकेशन, ये भी विड्रॉल के टाइम पे आने वाला है, जब आप पासवर्ड दोगे ना आपका एक फेस वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको बता चुका हूँ जो जो अपडेट आई थी अभी। मेनली अप्रैल 13 जो डेट है उस तक वेट करो, तब आपको मैं लाइव भी बता दूंगा कैसे होता है करके। ठीक है, और नहीं तो आपको देखना है तो सतोशी कोर की ओल्ड वीडियो देख लो, जिसमें कोर टोकन हमने विड्रॉल के लिए वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, वो ही प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अपडेट समझ में आ गई है, आ गई तो अच्छी बात है। जब अप्रैल 13 होगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, वो आपको स्टेप्स करने हैं तभी। ठीक है, अभी के लिए तो अपडेट्स हैं जो आप चेकआउट कर लो, और इसके बाद अप्रैल 27 के बाद ही आई थिंक लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आपको और एक महीना वेट करना पड़ेगा, तब तक इसकी माइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।